hilt. Then we become careful and then we try to understand deeply. तो उस परिपेक्ष में बहुत मदद करता है अगर कोई हमसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछे और हम उसको उत्तर देने का प्रयास करें। आगे के जितना भी समय है हम विल फॉलो दिस फॉर्मेट एंड ऑफ कोर्स विल इंटरपोज वंस वी रीच वन एंड ऑफ वन खंदा देन विल मेडिटेट फॉर अ डे और टू एंड देन डू दैट। सो रिक्वेस्ट बनते जी फॉर क्लोजिंग कमेंट्स ब्लेसिंग्स। कल शाम को हमने विधिवत जो पांचवा खंड है उसकी चर्चा संपन्न की, तो मुझे लगता है कि जितना हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो हमने शायद उस उतना तो कर ही लिया है। डिस्कशन अब आवश्यकता है कि जो हमने इन 2 सवा 2 महीनों में समझा है उसको कंसोलिडेट किया जाए। सो लेट अस कंसोलिडेट व्हाट यू स्टडी सो दैट इट रिमेन्स विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो सारी हमारी जो डिस्कशंस हुए, चर्चा हुई, ध्यान हुआ, गाइडेड मेडिटेशंस हुई, उस सब को एक तरह से और उस समझ को जो हमारी समझ बनी है उसको मजबूत किया जाए रिफ्लेक्शन के आधार पे और उसके अनुरूप साधना थोड़ी थोड़ी कर करके। जैसे कल भी कहा था सुबह शाम की हमारी जो साधना है फॉर्मल सेटिंग है उसका भी अपना लाभ है, हमको तैयार रखती है, लेकिन जो खंडों की इंटरेक्शंस हैं वो हमारे सामान्य जीवन में होते हैं और उस समय हम इस शिक्षा को किस हद तक याद रखते हैं और किस हद तक लाभ ले सकते हैं वो सचमुच में हमारे लिए धर्म में प्रशस्त करने का तरीका हो। और आपने देखा होगा इतने दिनों तक के रियल जो हमारी समझ बनती है वो प्रश्न उत्तर के माध्यम से बनती है। तो आप बाकी के जो समय है 10-12 दिन का उसमें भी हम यही माध्यम अडॉप्ट करेंगे प्रश्न उत्तर का। थोड़ा सा फर्क ये रहेगा कि अब प्रश्न मैं करूंगा और उत्तर आप देंगे, तभी हमें समझ आएगा कि हाँ यू रियली गॉट द नैक ऑफ इट। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठेगा कि हमने ये 5 खंडों को इतना उनको टुकड़े टुकड़े करके इतनी डिटेल में पढ़ाई क्यों, इसकी जरूरत क्या है, क्या सचमुच में करने की आवश्यकता है, क्यों किया हमने ये सब। पिछले 9 हफ्तों से लगभग हम ये चर्चा करे जा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या था, ये सारी एक्सरसाइज का जो जेनेरिक मूल उद्देश्य क्या था। आपको को उत्तर देना होगा, मैं तब तक वेट करता रहूंगा जब तक उत्तर नहीं आएंगे। अब आप हाथ खड़े ना करें, बोल दीजिए दीपक जी। पंच उपादान खंड, हाँ बोलिए। हाँ, ये जो हम आपस में क्यों बैठते हैं, हम बैठते हैं कि हम सब ने रियलाइज किया है कि जो जन्म से हमारे साथ दुख जुड़ जाता है और दुख का जो मेन कारण जो है उसको हमने फिर एनालाइज करके देखा कि 5 खंडों के साथ जो उपादान है वही दुख का कारण है। तो इसलिए इन खंडों की स्टडी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा एम है कि हमें दुखों से मुक्त करना है अपने आप को। तो दैट इज प्रिसाइजली द पर्पस। वेरी गुड, वेरी गुड। दुख मुक्ति, और वो भी दुख मुक्ति भी एक इस समय दुख हो रहा है उससे मुक्ति हो जाए उसमें नहीं, दुख का पूर्ण निरोध। पूर्ण निरोध का तात्पर्य क्या हुआ, निरोध शब्द से जैसे मैं कहा था नॉन अराइजिंग, दोबारा उत्पन्न ही ना हो, वो तभी संभव होगा जब इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलेंगे। सो दैट इज द
exalted objective we have kept for ourselves. It may seem कि तो कुछ ज़्यादा ही अपने को बड़ा भारी मान रहे हैं. We're trying to be arrogant and think we'll do that and this and that. Yeah. We do it with all humility and great confidence in the teachings of the Buddha. That's the purpose. Okay. सर साहब इसको ये भी कह सकते हैं ना कि लॉन्ग टर्म गोल और उसको अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स जो सारे है वो धीमे धीमे सेट करके इनको अचीव किया जाता है. We can put it in that word also, yeah. बस यही है कि शॉर्ट टर्म गोल जो है वो हम धर्मानुकूल हो. सारे मार्ग में भगवान की शिक्षा आती है धम्मान धम्म पटिपदा, धर्म को धर्म के हिसाब से. और जैसे दीपक भाई ने कहा कि भगवान की शिक्षा है दुख की जो डेफिनेशन है उसमें अंत में क्या बात कहते हैं भगवान, पहले तो उसका मैनिफेस्ट फॉर्म कहते हैं, उसका कंक्लूजन में भगवान कुछ कहते हैं. रिमेम्बर दोस पावरफुल वर्ड्स. ये भी बहुत महत्वपूर्ण है. आपको शायद लगता होगा कि इसकी क्या जरूरत है कि पाली में याद करें. दे हैव अ ट्रेमेंडस इंपैक्ट बिकॉज दे एक प्रिसाइज कंसोलिडेटेड डेफिनेशन है. संकीर्तन पंच उपादान कुंडल. यस दिस शुड बी रिमेम्बर्ड एवरी मोमेंट. जब भी दुख हो अगर हम इसको रिमेम्बर याद करेंगे तो हम सोचेंगे भाई कहाँ हो रहा है, किस खंड में दुख हो रहा है, यहाँ से क्या कहा जा रहा है. पांचों खंड दुख का कारण. और पांच खंड क्या है वो तो हमें क्लियर ही होगा. यस निखिल यू हैव टू आंसर. What are the five khandas? Rup, Vedana, Sangya, Sanskar, and Vigyan. Good. और प्रथम सारे सत्य में भगवान ने जो फर्स्ट डिस्कोर्स था वो चार आर्य सत्यों का, उसमें प्रथम आर्य सत्य क्या था? मुझे बोला सर जी जी संसार में दुख है उसको पाली में बोलो. जैसे भी जितना भी पाली में, पाली में बहुत अच्छा रहेगा. जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, जाति भी दुखा, मरणम भी दुखम, अप्ये ही संकयोग संपयोग दुखा, पिये ही उपयोग दुखा, यमपि इच्छम न लभति तमपि दुखम. So, ये इसकी स्टेटमेंट है. उन्होंने कहा इसके बारे में करना क्या है, क्या कहा क्या करना है. No. I'm not going to second noble truth. इस दुख को समझना है. या तम को पनिदम दुखम अरिय सच्चम परिने अंति में बिखवे. जब मुझे वो मालूम हुआ देन दैट विजन अरोज इट आलोको उत्पादी एंड सो ऑन. देन क्या करना है, परिने अंति इसको जानना है. तो हमने क्या किया इस सारे समय में अभी तक जो हम करते आ रहे हैं, कैन यू पुट इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट. यस सर. तो ये दुख को जानना ये बड़ा एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, उसको फिर हमने समझा कि दुख को जानना है तो मतलब पांच खंडों को जानना. गुड गुड. तो आपने बोलना शुरू कर दिया सो आई विल नॉट नेम यू नाउ. तो जो बोलेंगे नहीं मैं उनके नाम से कहूंगा. तो ये पंच उपादान खंड दुख है कि पंच खंड दुख है? उपादान शब्द क्या है, खंडी अपने में दुख है या ये उपादान दुख है? उपादान अटैचमेंट. उपादान दुख है. तो पंच खंड अपने में दुख नहीं है. इसका कोई उदाहरण आप दे सकते हैं, क्या ऐसा अनुभव हुआ
हमें, या हमने इसकी चर्चा की, मैं तो कई बार 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 बोलता रहा हूँ कि हम किस आधार पर कह सकते हैं कि पंचखंड तो दुख नहीं है लेकिन उपादान दुख है। हमारा शरीर तो जब बूढ़ा होता रहता है, बीमार होता रहता है, दुखता तो है, ये परेशानी नहीं, परेशानी नहीं। मुझे कोई मिठाई अच्छी लगती है, मैं कहता हूँ मैं रस जो है मुझे उसका अच्छा लगता है, तो उपादान ये कि मैं वो मिठाई बार बार खाता रहूं, जितनी उस तरह मुझे मिलती रहे मैं खाता रहूं, लेकिन ये अल्टीमेटली जब रियलाइज करते हैं कि दुख का कारण ही है ये, जो हमारी क्रेविंग बढ़ जाएगी तो इट विल लीड टू अवर इंक्रीज सफरिंग, एंड इफ वी कीप ऑन रिएक्टिंग हमारा संस्कार जो है और मजबूत हो जाएगा, और दैट विल बी अ कॉज ऑफ अनदर बर्थ। और हम लोगों ने पूरा एफर्ट जो हमारा यही है कि दोबारा जन्म ना हो, बैठे हम इसलिए है कि हम उस तरह में चले कि दोबारा जन्म हो ही ना हमारा। तो इससे ये बात कैसे क्लियर हुई कि दुख इज ड्यू टू उपादान नॉट टू खंडा देमसेल्स, ऐसे कैसे? मैंने उदाहरण दिया कि शरीर है, बूढ़ा हो रहा है, बीमार हो जाता है, इतना भयंकर स्थिति आ जाती है, अप्रिय बातें सुननी पड़ती हैं, क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है, वो दुख नहीं है क्या? ये सब दुखे तो हैं, ये सब दुखे तो हैं, लेकिन अच्छा ओके नहीं, हम जो उस पे अपने आप को ग्रास्प कर लेते हैं ना, वो दुख है। आया गया कह दे कि हाँ आया है, चला ही जाएगा, इम्पॉर्टमेंट है, तो फिर वो दुख जो है वो आया गया, हो गया, बात खत्म हो गई। जब उसको ग्रास्प कर ले तब असली दुख है। ग्रास्प इज द अटैचमेंट, चाहे दुख हो चाहे सुख की जो वर्ल्डली हैप्पीनेस है, अगर हम उसको ग्रास्प करके बैठ जाए तो अल्टीमेटली वो दुख का कारण ही बन जाता है। द ग्रास्पिंग और अटैचमेंट। अच्छा शायद आई एम नॉट एग्जैक्टली रिप्लाइंग टू व्हाट यू आर आस्किंग द क्वेश्चन। एग्जैक्टली क्वेश्चन उसका वही प्रिसाइज आंसर दिया जाए। नॉट उपादान तो दुख है, लेकिन उपादान के बाहर भी दुख है, जैसे संनिपात हो जाना, तो उसका उपादान से कोई संबंध नहीं है लेकिन वो भी दुख है। उसी तरह से और भी दुख है लेकिन उपादान सबसे बड़ा दुख है, हमारा अटैच हो जाना इन इंद्रियों से जो हमें दिखा दिया है। कौन सा दुख स्पर्श होता है, जो स्पर्श होते हैं? प्लीज लेट्स बी प्रिसाइज, क्योंकि वी डोंट वांट टू गेट इनटू डाइग्रेशन, बट वी वांट टू बी एब्सोल्युटली प्रिसाइज। सारा दो ढाई सवा भाई दो महीने से कोशिश किया कि हम प्रिसाइज आंसर दें। तो आपने कहा उपादान तो दुख है लेकिन और भी दुख है, तो वो थोड़ा मुझे बता दीजिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लिखा हुआ है मैं कह रहा हूँ, जैसे लेट मी नाउ पुट इट इन मोर काइंड ऑफ इररेवरेंट मैनर, ओके, सो प्लीज डोंट मिस्टेक व्हाट आई एम सेइंग। जरा भी दुख है, जरा है दुख, प्लीज लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली। हम चैंट करते हैं जरा पे दुख, इज जरा रियली दुख, व्याधि पे दुख, इज व्याधि रियल इन दिस सेंस ऑफ नो नो प्लीज रिफ्लेक्ट डीपली। यमपि इच्छा मना लभते तमपि दुखम, इज इट नेसेसरी कि जो मैं चाहूं दुख ना मिले तो मुझे दुख हो? The fact of experience in itself is not dukkha, but उसके basis पे हम जो उसको नहीं चाहना करते हैं या चाहना करते हैं, that is the definition of dukkha. How much of harsh words, criticism, the Buddha and his great disciples had to fear? इतना हुआ, कितनी बुरी वाली बुरी बातें सुनने पड़ी, उसने पत्थर भी मार दिया, शिला तोड़ तोड़ दी, भगवान का अंगूठा भी कट गया, सारे पुत्र की माँ जब जाता था भिक्षा के लिए तो गालियां देती रहती थी, महामोगलाना को ऐसा काटा बाद में।
आपके सामने एक सेंटेंस रखा था टू अंडरस्टैंड दैट इन अ वेरी क्रिप्टिक वे, आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर। हर एक अनुभव के बाद भगवान कहते हैं, और खासतौर पर जब वो सच्चक को अपनी कहानी सुनाते हैं कि मैंने ये एक्सपीरियंसेस किए, इतनी फीलिंग्स, उसने कहा कि आपको फीलिंग्स हुई नहीं ना अभी कष्ट कष्ट वाली, आप तो राजा रहे। तो देन ही टेल्स हिम कि मैंने क्या किया एसेटिसिज्म, एंड एवरी टाइम ही सेज द फीलिंग्स डिड नॉट इन्वेड माय माइंड। दैट इज अ सेंटेंस व्हिच वी शुड रिमेंबर, एंड आई ट्राई टू रिमेंबर, ऑफ कोर्स आई फॉरगेट इट ऑफन। Feeling did not invade my mind. Pain is inevitable, suffering is optional. शादी में पेन होगा, जरा में पेन होगा, उठने नहीं चल रहे, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, ये हो रहा है, बट सफरिंग नहीं, जरूरी नहीं है वो सफरिंग बन जाए। इट्स वेरी क्रूशियल रिकॉग्निशन विच वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर। और जब भी हमको सफरिंग महसूस हो, खासतौर पर मेरे जैसे को, जो हमारे आयु के 4-5 लोग तो हैं यहाँ पे, एजिंग, इलनेस, इंजरी, हार्श वर्ड्स, दे आर नॉट इंट्रिंसिकली सफरिंग, दे आर अनप्लेजेंट फीलिंग, दे कॉज अनप्लेजेंट फीलिंग। And even more difficult is pleasant feeling. That invades our mind like anything. So this statement I would suggest, feelings did not invade our minds. So this we should reflect deeply and see from our, हम अपने अनुभव से भी देख सकते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि feelings नहीं invade करती। हमको भी ऐसा नहीं कि हमेशा ही ऐसा होगा, कभी कभी तो हो ही जाता है। You can see that as a thing. ये जो आपने कहा कि दुख should not invade the mind. Please don't use the words loosely, please. Is it a loose word? Not, okay. Yeah. दुख is not that same. Feeling. 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 Okay. Feeling. Feeling should not invade the mind. एक अजान शाह की बड़ी जो बहुत ही बढ़िया किताब है जो हम पढ़ते रहे हैं पहले, स्टिलनेस फ्लोइंग जी, तो उसमें ये है कि वन पार्ट ऑफ द माइंड इज स्टिल, इट शुड बी पीसफुल एंड अदर पार्ट इज एक्सपीरियंसिंग, द स्टिल माइंड शुड नॉट शुड रिमेन स्टिल, दैट इज उसका, इज इट सिमिलर टू व्हाट यू आर सेइंग और इट इज वेरी डिफरेंट। निवेदन करता हूं बहुत बहुत हाथ जोड़ के, प्लीज डोंट यूज कोलोकियल लैंग्वेज, इट विल मिसलीड यू। अजान शाह किसको प्रवचन दे रहे हैं? गांव वालों को प्रवचन दे रहे हैं तो समझा रहे हैं, हम उसको इतनी प्रिसाइजली समझ रहे हैं, सो वी शुड नॉट गो बैक टू द सेम लैंग्वेज, बिकॉज देन वी विल मिस द अंडरस्टैंडिंग, मिस द पॉइंट। मेरा निवेदन है, प्लीज बी प्रिसाइज एज पॉसिबल। देर कैन नेवर बी पार्ट ऑफ द माइंड, माइंड कहाँ जाएगा, पार्ट कैसे बनेंगे? हमने तो यहाँ तक उसको समझने की कोशिश की कि दो परसेप्शन जाग रहे हैं, वो भी एक टाइम पे नहीं हो सकते। एक टाइम पे एक ही वेदना होगी, संज्ञा होगी, संखार होगा, एंड देन रूप होगा, एक टाइम पे वही होगा, वो बदल जाएगा, नेक्स्ट मोमेंट बदल जाएगा। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, दैट्स व्हाई आई एम इंटरप्टिंग यू अगेन एंड अगेन, सो लेट्स बी एब्सोल्युटली प्रिसाइज। अब आप If I'm writing an examination paper on this subject and I write like this, it'll be all crashed. So it's to be absolutely. क्यों इसमें precision की क्या जरूरत है? निशा को खंडों की बात ही नहीं समझ में आएगी. The basic understanding that at one moment there can be one set of khandas, next moment another khanda, like. वो जो बेसिक अनिच्छा की बात है वही हम उसको डिनाई कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा नम्र निवेदन है, as precise as possible. अगर मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ, kindly don't take it otherwise. No, not at all. I wish that we do as precise as possible because that is a very important thing in understanding khandhas. हमने ये डिसाइड किया ना कि खंडों को समझना है।
ओके ओके सो हर्षा इफ आई मे जस्ट क्विकली चेक, ये मैंने एक्चुअली आपसे पूछने के लिए पहले भी लिख के रखा था. आपने आप कहते हैं ना कई बार कि उपादान नैसर्गिक है. सो आई वाज वंडरिंग इज उपादान नैसर्गिक और इज देयर एन ऑप्शन. यू रिमेम्बर नैसर्गिक फॉर अस अनएनलाइटेंड बीइंग्स. जो पृथुजन है द वेरी फैक्ट दैट वी आर बोर्न इज बिकॉज ऑफ उपादान. तो वो हमारे लेटेंट टेंडेंसी स्ट्रांग है उस सेंस में. मेरे लिए हम सब के लिए वो उस सेंस में एक हमको नेचुरल फीलिंग लगती है. हमको नेचुरली लगता है कि शरीर मेरा है. नेचुरली इन दैट सेंस, इट नॉट इन द सेंस ऑफ द इंट्रेंसिक नेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. हमारे सहज भाव ये जागता है कि शरीर मेरा है. सहज भाव ये जागता है कि वेदना मुझे हो रही है. उस सेंस में उसको नैसर्गिक कहा गया क्योंकि हम अभी हमारा जन्म ही उस कारण से हुआ है क्योंकि उपादान था जिससे भव और जाति. तो वो जो स्टेटमेंट निखिल ने हमारे रिसाइट की जो आखिरी लाइन है फर्स्ट नोबल ट्रुथ की कि संखित तेन पंच उपादान खंड दुख. सो हम उसको ट्रांसलेट करते हैं उपादान के खंड जी. सो अब मैं ये समझ रहा हूँ कि उसका शायद समझने का तरीका या बेटर ट्रांसलेशन तो पता नहीं, पर समझने का तरीका यह है कि जब जब और अगर खंडों के प्रति उपादान होगा तो दुख होगा. Is that fair? I'm trying to... Yeah, बिल्कुल ठीक बात है. Because we are being technical, so technically it's not key. The translation is not accurate. Inherently, खंड... We have to see कि वो किसको टॉप दी जा रही है. To be given to the five bhikkhus who are Puthujana at that moment. It is being given to those five bhikkhus who have great samadhi, but Puthujanas. So, इसलिए शुरू किया जा रहा है जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, व्याधि पे दुखो, मरणम पे दुखम. It's not necessarily always the case. Yeah, okay, now I get it. Yeah, I see. It's not true of, for example, for an anagami or for even for yeah. For even an anagami who has got over kamaraga and pratigga, it's not true. Old age is not a problem for him. Pain is not a problem for him because he's overcome all resistance. So in that sense, it's not a, जिसको आप कहते हैं, ontological. Yeah, it's not an absolute truth. We have to be careful कि इस truth को हम कैसे. मेरे ना उसको समझने की बहुत आवश्यकता है ठीक से. नहीं तो अगर हम उसको colloquially और general translation से समझेंगे तो we'll miss some very crucial part. इसलिए वो जो statement है भगवान की ना, feelings did not invade my mind. That is pretty powerful for us for contemplation. Or कई और scholars ने लिखा है, I think Venerable Paithok की book में था, कहाँ ये pain is inevitable in our life. Pain is inevitable. Suffering is optional. So that makes a difference between pain in other various kinds and suffering. Suffering is response to the pain. तो वो जो सारी स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट नोबल ट्रूथ की, वी कैन एक्चुअली मॉडिफाई ईच ऑफ देम. सो जाति तब दुख है अगर आई बिहेव टुवर्ड्स इट इन सच एंड सच वे. जरा तब दुख है यू ग्रास व्हाटएवर आर द फीचर्स ऑफ इट. इसी तरीके से जो वियोग है फ्रॉम दैट विच इज डियर इज दुख ओनली इफ यू रेजिस्ट इट. जो grasping here towards that which is pleasant is only if you have attraction towards pleasant. If the pleasant feelings invade your mind, then this will happen. If unpleasant feelings invade our mind, then apiyahi dukh sampayogo dukho apiye and vyadhi pi dukha. Now
not inherently. So usko hum, that is a question of our understanding. We have to understand that. Vyadhi is painful, certainly, but not dukkha. It depends on my response to that painful vedana. तो इसलिए पेन और दुख में फर्क है, जैसे जैसे अभी आपने सूर्य जी को करेक्ट किया. जी सो सर, पहले जो 5-6 लाइंस है उसमें जो दुख का अर्थ है वो हम एज अ पेन समझे, और जो लास्ट का जो लाइन है संकित्तेन पंच उपादान खंदा दुखा, तो इसमें दुख का अर्थ सफरिंग या अनईज जो होता है ऐसे समझे. हाँ, या बिकॉज इन द बिगिनिंग पोर्शन दिस स्टेटमेंट इज मेड दैट इट इज एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस इन दैट सेंस. It's an unpleasant experience. So, because that is the first statement being made to people who don't have even understanding of the impact of the Four Noble Truths. Unki wo understanding nahi hai na. To abhi unko di jayegi, samjhaya jayega. To wo ek aap maan lijiye kisi koi aapse bilkul बच्चा है, नया साधक आता है, नया आता है, बताओ कि क्या है. तो आप उसको यही समझाएंगे ना कि भाई ये चीजें हमको दुख देती हैं. लेकिन अल्टीमेट अगर ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखने पे ये पता चलता है कि दुख इस कारण से है. क्या उसके प्रति अटैचमेंट है, उपादान है, आप जो भी शब्द ठीक समझो. तो देन विल स्लोली मेक हिम अंडरस्टैंड कि क्या है ये खानदान, किस तरह से उनके प्रति हमारा अटैचमेंट जागता है. तो हर खंड दुख है, यू कैन सी इट इन अनदर, एवरी खंड इज दुख. एंड इफ यू वांट टू गेट फ्री फ्रॉम सफरिंग, फोर नोबल ट्रूथ्स आर द पाथ, सिंपल. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन दैट मैनर आल्सो कि अष्टांगिक मार्ग ही दुख का, दुख से मुक्ति का मार्ग है. हर खंड दुख है तो अष्टांगिक मार्ग ही दुख से दुख मुक्ति है. This is a fundamental thing you find permeating in so many suttas. आपको याद होगा हमने कल बहुत सारा सम्मा दिट्ठी सुत्ता पढ़ा था, उसमें भी exactly यही चीज. हर एलिमेंट को लेके, न्यूट्रीमेंट को लेके, आहार को लेके, फिर जन्म को लेके, फिर मृत्यु को लेके, एंड देन ऑल पूरे के पूरे 12 लिंक्स जो दिए गए सती उसके प्रतीत समुत्पाद के 12 लिंक्स, हर एक लिंक को कहा गया वो दुख है और उससे मुक्ति का मार्ग ये है, उससे निरोध का मार्ग ये है, दुख निरोध का मार्ग ये है. सो यू कैन सी वेरी कंसिस्टेंटली बीइंग फॉलोड दिस पैराडाइम बीइंग फॉलोड इन सो मेनी सूत्रास एंड एग्जैक्टली सेम थिंग वी हैव बीन डूइंग. अभी कुछ क्लियर? Now, I'll, next question would be, ये सतठान सूत्र हम पढ़ रहे हैं कि भाई सात तरह से करना है, ये सात तरह से क्यों करना है? ये अगर हमको खंड को समझना है तो इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीका क्यों बना दिया खंड को समझने का? चैंट किया ना, इतने दिनों से चैंट कर रहे हैं सत्य अठान सुत्ता, उसकी अगर हमारे को स्पिरिट, उसकी जो भाव है वो क्लियर हो तो हम इसका आंसर दे सकते हैं. तो क्यों कर रहे हैं? सात तरह से करना है. पहले चार तरह क्या है? लेट अस जस्ट रिकॉल क्विकली. फर्स्ट फोर वेज, व्हाट आर दोज? सर वो क्या, पहला प्रश्न होता है जो सात आयाम कर रहे हैं किसी भी खंड को, तो पहले तो वो खंड क्या है, व्हाट इज दैट? आप स्क्रीन पे दिखा दीजिए, स्क्रीन पे देख के आप बता दीजिए. बिल्कुल बिगिनिंग में जाइए, बस
एक ले लीजिए, हाँ एक ले लीजिए। भौतिक भौतिक पदार्थ क्या है ये पहला, फिर उसके बाद उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसका निरोध कैसे होता है और उस निरोध की ओर कैसे जाया जाए, ये चार। और यही तरीका हर खंड के ऊपर लगाया गया है ना, हर खंड पे सेम सेम टेम्पलेट इज यूज्ड इन एवरी खंड। भौतिक पदार्थ जगह आप चाहें तो इसको काट के वेदना कर सकते हैं, चाट के संज्ञा कर सकते हैं, उसको भौतिक पदार्थ को रिप्लेस कर दीजिए संज्ञा से, वो नेक्स्ट संस्कार से, विज्ञान से, यू गेट द सेम सेम थिंग इज बीइंग रिपीटेड। व्हाट इज दिस, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर नोबल ट्रूथ्स। अभी तीन फिर और क्यों जोड़ दिए भाई, सात से चार काफी नहीं थे क्या? ये तीन चीजें और क्यों जोड़ दी, फीलिंग्स की वजह से? अभी तीन और है ना, चार, ये तो चार आयाम हो गए, बाकी सत्य अट्ठान है ना, सात तीन चीजें और जोड़ दी, क्या है वो तीन चीजें बताइए, देख के बता दीजिए। सीज द ग्रेटिफिकेशन, डेंजर एंड एस्केप। या वेरी गुड, साध आदिनव एंड निस्सरण, ये और क्यों जोड़ कर दी, क्या चार आर्य सत्य अपने में सफिशिएंट नहीं थे क्या? ये तो प्रश्न उठता है ना हमारे मन में भी, क्यों कर हमारे लिए इतना और मुश्किल क्यों बना रहे हैं इसको, हम तो चाहते हैं आसान हो जाए, पहले ही चार थे उनके तीन और जोड़ दिए, क्यों कहा जा रहा है ऐसा? सर मेरे को लगता है वो तीनों जो हैं वो है तो आर्य अष्टांगिक मार्ग का ही पार्ट, बट दे बीन कॉल्ड आउट एक्सप्लिसिटली फ्रॉम अ प्रैक्टिस स्टैंडपॉइंट। शाबाश, बताओ पूरा एक्सप्लेन करो ना, क्या हाउ विल दे हेल्प? सर जैसे अगर हमें सम्यक व्यायाम करना है तो वो करना कैसे है, सो देयरफॉर मान लीजिए संज्ञा आधारित सम्यक व्यायाम करना है कि मेरे में जो अकुशल अवस्थाएं हैं वो मुझे आने नहीं देनी है, तो टू बी एबल टू डू दैट अगर मैं अपनी अकुशल अवस्था में डेंजर देखूंगी तब मैं जाके उसके एस्केप को ढूंढूंगी, अगर मैं उसमें ग्रेटिफिकेशन नहीं लेती रहूंगी, गुस्से की टेंडेंसी उसमें ग्रेटिफिकेशन लेती रहूंगी तो आई विल नेवर अटेम्प्ट टू कम आउट ऑफ इट, आई सी द ग्रेटिफिकेशन देन आई सी ओके दिस इज नॉट कंड्यूसिव टू टू दुख मुक्ति एंड देयरफॉर वन वुड अटेम्प्ट टू कम आउट ऑफ। Yeah, it's not wrong. I'm not saying it's wrong, but it's a spiraling, you know. Okay, the question that arises in my mind is, isn't gratification inherent in origin? That's how it appears to me. So why is he repeating it? Let's see that. Similarly, way leading to cessation and escape from the escape seems to be the same. एक बार उसको उस सेक्शन को थोड़े चार पांच लाइनों को पूरा पढ़ लेंगे तो शायद उससे कुछ हिंट मिल जाए। स्टार्टिंग से या ये आस्वादन वाले आज तीन चीजें बस, भौतिक पदार्थ के आधार पर जो सुख और आनंद उत्पन्न होता है वह है भौतिक पदार्थ का आस्वादन। हाँ, भौतिक पदार्थ की जगह खंड पड़ी है उसको, खंड वह खंड अनित्य है, दुख है और परिवर्तन के अधीन है, यह है उस खंड में निर्भरता। खंड के प्रति इच्छा और वासना का त्याग, यह है खंड के चंगुल से मुक्ति। खंड के चंगुल से मुक्ति, उससे निस्सरण। सर ये राग दोष मोह की टेंडेंसीज को पॉइंट कर रहा है।
रिस्पेक्टिवली. वो कैसे आप द्वेष मोह कैसे कह रहे हैं, आप किस आधार पे ऐसे कह रहे हो? निखिल एक बार वो वापस लेकर आना, किधर था वो खतरा. इससे मतलब उसमें जो आस्वादन है ना, दैट्स पॉइंटिंग टू द राग टेंडेंसी ऑफ राग लोभ, एंड देन ये जो है उसमें दुख और परिवर्तन है, दैट इज पॉइंटिंग टू द दोष एस्पेक्ट या दुख एस्पेक्ट. एंड देन द लास्ट वन आई एक्चुअली नॉट कन्विंस्ड कि वो मोह को पॉइंट कर रहा है क्या. सो आई नाउ आई एम कंफ्यूज्ड. एनीबडी एल्स वुड लाइक टू मेक इट ट्राई? I mean, of course, there are so many ways you can interpret a thing. But jo aapko convincing lagta ho, I'd just like to see what are the various ways in which one is convinced about this. And that's very... Prasadhar, isme shayad hi koshish ki ja rahi hai, jo ki Four Noble Truths pe directly nahi aati, ki teen lakhan ke prati jo wahan टेंडेंसी हो जाती है उनको ठीक से देख नहीं पाते, उनको ठीक से देख रहे दुख अनंत और अमीन अनित अनंत है दुख शायद अनंत कहाँ से आएगा, किस में से आपने ये निकाला? आई कैन अंडरस्टैंड द दैट अनिच्छी बात तो सामने आई जा रही है और दुख है वो भी आ रहा है, अनत्व की बात कैसे आपने निकाल दी? I mean, there is some hint, but I just wanted to make sure. हमने वो थोड़ा सा चर्चा की थी, संक्षेप में हिंट दिया था उसका. इच्छा और वार इच्छा बेसिकली जब चंगुल से मुक्ति, ये दुख मेरा है, मुझे इससे मुक्ति पानी है. अनिच्छंग आ गया, दुखंग आ गया, विपरिणाम धम्मंग, व्हाट डज इट मीन? उसकी नेचर है कि वो अपने आप बदल जाता है, परिवर्तन के अधीन है, वो हमारे वश में नहीं है. वो एक तो उस तरह का इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि हमको पॉइंट कर रहा है इन चीजों को. दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कामावचर लोकाज में है, मनुष्य लोक और देव लोकों में, जिनमें काम सुख भोग की बहुत प्रबल टेंडेंसी है, वी आर ऑल सीकिंग प्लेजर्स, तो उसके खतरे को जान के उससे मुक्ति हो सकती है. उसके खतरे को नहीं जानेंगे तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है. जब हम किसी चीज का खतरा देखते हैं तो उस तरफ जाने की टेंडेंसी काफी कम हो जाती है, और फिर उस खतरे का हम स्वरूप देखते हैं कि हमारे को बहुत अटैचमेंट है इस राग के प्रति, इस तनहा के प्रति. आपने देखा होगा तनहा की जो डेफिनेशन है दूसरे आर्य सत्य में, भगवान अवर्शन की टर्म्स में नहीं दे रहे. यायम तनहा पौनु भविका नंदी राग सहगता तत्र तत्र अभिनंदिनी, दिस द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन. ये तृष्णा जो पुनर्जन्म को ले जाती है, ठीक है, आगे नंदी राग सहगता आनंद और राग के साथ चलती है. तत्र तत्र अभिनंदनी, कभी इधर कभी उधर उसका अभिनंदन करती है, ये सुख मिल जाए, ये मिल जाए, और शब्द का सुख हो, रूप का सुख हो, गंध का सुख हो, अब ये नहीं तो ये, अब पेट भर गया तो अब स्मेल देखें, अब ये खत्म हो गया तो अब पिक्चर देख लेते हैं, अच्छा अब भोजन डाइट हो गया तो अब कुछ पी लेते हैं. दैट्स हाउ द नॉर्मल अनरीजनरेट लाइफ ऑपरेट्स. कुछ ना कुछ सुख की
चार लालसा हमारे लगे हुए हैं, परसूट ऑफ हैप्पीनेस, परसूट ऑफ प्लेजर इज रिमेन इज समथिंग इस लोक में, जिस लोक में हम हैं कामावचर लोकों में, उनको कहा इसलिए गया कामावचर लोक की दे आर सीकिंग सेंसरी प्लेजर्स, तो सेंसरी प्लेजर के खतरे की ओर ध्यान दिलाया जा रहा है ताकि उसके प्रति निर्वेद भाव हो। जब हम खतरा जागता है तो उससे आदमी दूर होने लगता है, नहीं नहीं ये डेंजरस है इधर मत जाओ, एंड देन यू विल सी लेटर इफ यू गो डाउन नाउ, इसको ऊपर ले जाइए नीचे एंड में जो सेक्शन का एंड वहां बात क्लियर हो जाती है कि उसके प्रति रूपस निबिदा है। ओके होल्ड ऑन, नहीं आ गया ना, निबिदा है विराग आए निरोध आए पटिपन्न, तो जब हमारा मोह भंग हो जाता है किसी के प्रति तो डिस्पेशन नेचुरली अराइज होता है और वो हमारे निरोध में सहायता करता है। सो दिस इज इन फैक्ट हेल्पिंग काइंड ऑफ कोरोबोरेटिंग प्रैक्टिस जो हमारी मुख्य उद्देश्य है निरोध की बात का कि अराइज ही ना हो, उसके लिए आवश्यक है, उससे पहले निरोध तभी होगा जब डिस्पेशन जागेगा, उसके लिए आवश्यक है कि हमारा मोह भंग हो, जो अट्रैक्शन है सेंसरी वर्ल्ड का वो ड्रॉप हो, और वो सेंसरी वर्ल्ड का अट्रैक्शन तब ड्रॉप होगा जब उसमें खतरा देखने लगे। दैट्स द वे आई हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड दिस दीज थ्री थिंग्स, ये हमारे सपोर्टिंग चीजें हैं टू फुलफिल द एम्स ऑफ द फोर नोबल ट्रूथ्स फ्रॉम प्रैक्टिकल फ्रॉम प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि डे टू डे लाइफ में यू आर कॉन्स्टेंटली ड्रिवन बाई प्लेजर सीकिंग, इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली ऐसे चलता ही रहता है, हमारी चॉइसेस किस पे डिपेंड होती है, यार इस तरफ जाएंगे तो परेशानी होगी इस तरफ चले जाते हैं, इसमें जरा कष्ट होगा इस तरफ चले जाते हैं, सो दैट इज ए काइंड ऑफ ए नेचर ऑफ इट। Anyway, there is, I mean, the Sutta is trying to tell us to modify our sanya to. Say so, yeah, you can use that words, yeah. कि हम आदिनव संन्या को अडॉप्ट करें, आदिनव भी एक संन्या आई थी ना तब पे याद होगा कि हम आदिनव संन्या पे काम करें, उसमें एक्चुअली गिरमानंद स्वामी आदिनव संन्या के रूप में विभिन्न बीमारियों की चर्चा है, एक्चुअली ये खतरा है ये खतरा है ये खतरा है, हेयर इट इज मोर सटल पॉइंटिंग आउट ग्रेटिफिकेशन में ही डेंजर है। सो ये इस तरह से हमारे को सपोर्ट करती है हमारी प्रैक्टिस को, ऐसा मुझे लगता है। ओके डज इट मेक सेंस, कोई और इसके बारे में कमेंट हो तो? तो सर ये जो तीन आयाम का जो आपका एक बार फिर से प्रश्न है और उसका संक्षिप्त उत्तर क्या बनेगा सर, इतना डिस्कशन के बारे में? तीन आयाम का जो साधना है ये हमारे को जो हमारा मूल उद्देश्य है निरोध का उसको हेल्प करते हैं, प्रैक्टिकली हेल्प करते हैं। कैसे? कि जो हमारी मेन प्रॉब्लम है, अगर आप शांत होकर देखें हमारी मेन प्रॉब्लम है प्लेजर सीकिंग, और वो हमको उस तरह ध्यान दिला रहा है कि जो ग्रेटिफिकेशन तो है वो मना नहीं कर रहे, हर चीज में हर खंड में ग्रेटिफिकेशन है क्योंकि उसके आधार पर सुख अनुभव होता है, लेकिन वो उसमें जो खतरा है वो भी बता रहे हैं ताकि हम उससे उससे हमारा मोह भंग हो जाए और निर्विद्धा का भाव जाके जिससे डिस्पैशन हो। डिस्पैशन एक्चुअली ऐसे होगा, हम जोर जबरदस्ती डिस्पैशन नहीं पैदा कर सकते, वी कांट फोर्स, हमें समझ हो गया मुझे अटैचमेंट को इधर ड्रॉप करना है, अटैचमेंट ऐसे ड्रॉप नहीं होती, अटैचमेंट ऐसे सप्रेशन हो जाता है जो कि एक साइकोटिक माइंड स्टेट है सप्रेशन से, इफ इट वो तो मॉडर्न साइंस भी समझती है, बार बार किसी चीज को सप्रेस करोगे तो यू विल गेट इट बिकम ए मेंटली इल,
तो वो हमारा ध्यान दिला रहे हैं कि हमको डिटैच होना है, हमको डिटैच होना है, हमको अटैचमेंट को ड्रॉप करना है, अटैचमेंट फोर्स योर सेल्फ, यू आर डूइंग इट अप्लाइंग योर विल पावर नॉट योर अंडरस्टैंडिंग. तो वही वो गह सितानी और निखम सितानी वाली बात आ जाती है. आप जबरदस्ती कर रहे हैं, आप समझ के उसको ड्रॉप हो जाएगा. जैसे बार बार मैंने उदाहरण दिए खिलौनों का, उसके लिए आपको डिटैच होने की जरूरत नहीं पड़ी. यू आउटग्रो देम. हमारी ग्रोथ हुई और हमने उसके उसके आस्वादन में अब हमारे को स्वाद ही नहीं आता, खत्म ही होगी बात. दैट इज द सेसेशन, दैट इज द निरोध. The inclination to play with the toys no longer arises. जैसे अशुभ अशुभ भावना प्रैक्टिस करने से जो शरीर के प्रति एक अटैचमेंट होती है वो टूटती है, उसी प्रकार से ऐसा शरीर के प्रति उसकी उसकी जो एबिलिटी है वो लस्ट को कम करने की है. प्राइमरी एबिलिटी उसकी वो है. अगर सूक्ष्म रूप से अटैचमेंट देखनी, सूक्ष्म रूप से आइडेंटिटी देखनी है, तो फिर हमने जो किया इसमें उसको देखना पड़ेगा. अभी हम उसको आगे जाएंगे रूप के बारे में स्टडी. तो देयर इज अ फाइन डिस्टिंक्शन बिटवीन अशुभ भावना एंड क्या नाम, क्या वर्ड है उसका, धातु मनसिकार अपब्बम, धातुओं को एक्सप्लोर करना. शुभ भावना वर्क्स ऑन ए ग्रॉस लेवल, दैट वर्क्स ऑन ए सटल लेवल. जो निबिद्धा जो है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेशन इन अवर प्रैक्टिस. कई बार हमने देखा होगा कई सूत्रों में आता है ये किया ऐसा ऐसा किया ऐसा ऐसा किया, दैट इज अ रिजल्ट, ही रिजल्टेड इन निबिद्धा एंड देन विरागा देन निरोधा. एंड द प्रोसेस इट इज इन दिस सीक्वेंस दैट द प्रोग्रेस हैपेंस. I mean, in many suttas it seems, but there are other suttas in which there is no mention of that. Probably it happened, the panya was so strong that everything dropped. So I can't say it is necessarily mandated in all teachings, but kai suttas mein ye baat aati hai, bahut sare suttas mein, ki ye trajectory yahi aati hai, bahut sare suttas mein, ki ये सारी साधना की अभ्यास किया और उसके फलस्वरूप निबिद्धा जनरेट हुआ, मोहभंग हुआ, डिसिल्यूजनमेंट हुआ एंड देन नेचुरली डिस्पैशन अराइज हुआ और नेचुरली ही मूव टुवर्ड्स नॉन अराइजिंग ऑफ पैशन. डिस्पैशन और नॉन अराइजिंग ऑफ पैशन दे आर सो रिलेटेड. समटाइम्स इट लुक्स सिनोनिमस एक्चुअली. या वी टेंड टू टेक देम लाइक, बट वो भगवान ने उसके लिए डिस्टिंक्शन बना रखी है कि इट इज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन. उपनिषद में है, बहुत सूत्रों में, सो मेनी इन विच दिस पाथ इज दिस एस्पेक्ट इज हाईलाइटेड. सो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर एंड देन कैरी फॉरवर्ड दिस डिस्कशन टुमारो. सो काइंडली prepare yourself for answering questions kindly, because that is the way you will really come to grips with the whole thing. So wo bahut madad karega, mera apna anubhav hai ki prashnon ke uttar dene mein we are tested to the hilt, then we become careful and then we try to understand deeply. So us parivekshh mein bahut madad karta hai agar कोई हमसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछे और हम उसको उत्तर देने का प्रयास करें. तो आगे के जितना भी समय है हम विल फॉलो दिस फॉर्मेट एंड ऑफ कोर्स वी विल इंटरपोज वंस वी रीच वन एंड ऑफ वन खंडा देन विल
meditate for a day or two and then do that. So request Vanteji for closing comments, blessings. Nikhil, we can do a short chant first. Let's stop it now. समटाइम अगर कोई प्रश्न हो जो आज सुबह चर्चा हो जो आप लोगों ने सुना इसके बारे में अगर कोई प्रश्न हो या कमेंट हो तो स्वागत है. नमस्कार सर. ये जो ना व्याधि पे जो बाप ने बताया कि व्याधि में पेन तो है लेकिन सफरिंग नहीं है. सफरिंग पंचखंड में पंचखंड उपादान के अंदर है. व्याधि में जैसे कोरोना आया भी पेंडेमिक हुआ क्योंकि इसमें सफरिंग नहीं थी. आप अपने आप तो इन्वेस्टिगेट करिए ना. उससे क्या पूछ रहे हैं. तुम्हारा अनुभव है ना सफरिंग का मतलब कि हम जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसके प्रति प्रतिक्रिया कर रहे हैं वर्षन की. उस सेंस में कहा जा रहा है. तभी कहा पेन इज इनएविटेबल सफरिंग इज ऑप्शनल. उस सेंस में बात की जा रही है. तो कई ऐसे लोग रहे जिनको बहुत पेनफुल फीलिंग्स हुई बट दे स्टेड काम एंड क्वाइट. ठीक है देखते हैं. ऐसा भी पॉसिबल है. ऐसा नहीं इम्पॉसिबल है. इट्स नॉट ओनली दैट ऑफकोर्स परफेक्ट उस तरह में हो पाना तभी होगा जब कंप्लीट द्वेष खत्म हो गया राग खत्म हो गया. बट वी कैन अप्रोच दैट विद द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. आपको याद होगा एक सूत्र है बहुत फेमस नकुल पिता सूत्र. नकुल पिता जो है बहुत बीमार है एंड he's about to die or something and then his wife kind of counsels him, asks him various questions and he gets recovers. And another time then he goes to Buddha and tells him, yeah, your wife is very wise, she's counseled you properly. So another time when you're ill, that I'm just mixing up two suttas, you may have pain in the body, don't let your mind suffer. This is the instruction given to him. कि बीमार हो शारीरिक कष्ट हो रहा है मन को बेचैन मत हो. उसको वो कहते हैं ना सेकेंड एरो वाली जो एनालॉजी दी जाती है. सेकेंड एरो जो है वो सफरिंग है जिसको कि हम दूर करना चाहते हैं क्योंकि फर्स्ट एरो हम नहीं दूर कर सकते. जरा का एरो तो लगेगा ही व्याधि का एरो तो लगेगा ही. इसलिए जो भगवान की शिक्षा है वो दुख सेकेंड एरो को हटाने के लिए नहीं है. फर्स्ट एरो को हटाने के लिए तो डॉक्टर चाहिए या कुछ और तरीके चाहिए. सेकेंड एरो जो है जो अप्रिय एक्सपीरियंस के प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं और उससे हमारा दुख बढ़ता ही चला जाता है और पेन भी बढ़ जाता है. उसको हटाने के लिए भगवान की शिक्षा है. तो एक बात हो जो सीवक सूत्र है वेदना संयुक्त में तो इसमें व्याधि इसमें आठ चीजें बताई हैं. सभी चीजें व्याधि से ही संबंधित हैं. वात पित्त कफ सन्निपात वगैरह कब उपक्रम वगैरह तो एक्सीडेंट हो जाना वो सब चीजें हैं. तो उसमें एक शब्द बोलते हैं एक सेंटेंस बोलते हैं बुद्ध तो जो श्रमण या ब्राह्मण यह सिद्धांत मानने वाले हैं पुरुष जो कुछ भी सुख दुख या न्यूट्रल वेदना का अनुभव करता है सभी अपने किए कर्म के कारण ही वे अपने निज के अनुभव के विरुद्ध जाते हैं और लोग जिस बात को मानता है उसके विरुद्ध भी जाते हैं. इसलिए मैं कहता हूं कि उन श्रमण ब्राह्मणों का वैसा समझना गलत है. पर इसको कैसे समझें. नहीं वो तो कॉन्टेक्स्ट ही अलग है. ये तो कॉन्टेक्स्ट उनकी कह रहे हैं कि जो किसी परिस्थिति को कैसे समझ रहे हैं. सब ब्राह्मणों की बात हो रही है. बेसिक टीचिंग तो यही है ना. हाँ वो तो सही. उसमें कोई डाउट नहीं है. बाकी सब उसको कहीं किसी कॉन्टेक्स्ट में किस तरह कहा गया वो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देख के बढ़ना पड़ेगा.
ये बेसिक टीचिंग में कोई डाउट नहीं है कि हाँ दुख से जो भगवान दुख मुक्ति की बात कर रहे हैं, इज टॉकिंग ऑफ द तन्हा, उपादान, तन्हा, तन्हा से आगे उपादान होगा तो सेकंड नोबल ट्रुथ में तन्हा की बात की गई। दुख का कारण तन्हा है, दुख का कारण बीमारी नहीं है, दुख का कारण बुढ़ापा नहीं है, दुख का कारण तन्हा है, फिर उसके सब डिविजन्स कर दिए गए। वो प्रथम ट्रुथ में व्याधि वगैरह भी, हाँ वो एक इट इज ए पेडागॉजिकल स्किल टू टेक फ्रॉम विच इज डायरेक्टली एक्सपीरियंसेबल एंड यूज द सेम वर्ड टू इंडिकेट फिजिकल पेन एंड देन मूव ऑन टूवर्ड्स मेंटल पेन, बिकॉज अपीयही संपयोग दुख जो है वो मेंटल पेन है। एंड देन अल्टीमेटली सेज दीज आर अपेरेंट कंडीशंस, अपेरेंट सफरिंग्स, रियल कॉज इज दैट, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है आगे। खासतौर पर जो दूसरा प्रवचन है ना अनाथ लखन में, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। तो वो हमारे को समझना होगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। ठीक है।